जान दे यारा, जे ना दस दिता ते तेनू ताप चढ़ जाएगा। गज दे फड़े ने पर बसदा। अस्सलाम वालेकुम, हसते रहो वसते रहो। मैं तारक सानी ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल रैबर एंटरटेनमेंट प्लस। अगर तुसी मोला जट वेखीए ते ओदे फिल्म साज सरवर पट्टी साहब नूं भी तुसी जानदे होगे। मोला जट अपने दौर दी सुपर दुपर हिट फिल्म सी, और इस फिल्म तो बाद इंडस्ट्री ने एक नवा रुख पकड़िया और कतलो गारत दियां फिल्मां बनना शुरू हो गई। मोला जट ते पाबंदी भी लगी है, और एक हैरत अंगेज जड़ा इंकशाफ, हैरत अंगेज गल जड़ी है फिल्म साज सरवर पट्टी ने दसी है, जड़ी ओदे मोला जट दे बारे सी, जिन्हों सुन के मैं भी हैरान होया। सरवर पट्टी साहब फरमाने के जदों मैं मोला जट बुलाई और मोला जट सैलमे ते रिलीज़ हुई, तो उस वक्त सानू जड़ा टैक्स देना पैंदा सी, जड़ा तफरी टैक्स होंदा सी, यानी कि अगर तुसी 10 रुपए की टिकट बेचते हो तो 6 रुपए गौरमेंट अपना टैक्स कर लैंदी सी, और 4 रुपए सानू वसूल होंदे सन। उस 4 रुपए दे विच असी ये करदे सां कि सैलमे का किराया भी देंदे सां, पब्लिसिटी देंदे सां, होर जिन्हें अखराजात सन ओदे 4 रुपए विचों असी करदे सां। यानी कि अगर 1 लाख रुपया असी कमाया तो 60,000 रुपया गौरमेंट टैक्स लै लैंदे सी, और 40,000 रुपया साढ़े कोल बचदा सी। सरवर पट्टी साहब फरमाते कि जिन्ना मैं इस फिल्म का टैक्स अदा किया, अगर वो अज दे दौर ही कैलकुलेशन करा तो पाकिस्तान का जिहड़ा सारा कर्जा है ना, अगर 1 अरब डॉलर भी है तो वह अदा कर सकता है, क्योंकि अज तो 40 या 45 साल पहले जिन्ना मैं टैक्स दिता है वह बहुत ही ज़्यादा सी। फिल्म ने बहुत जबरदस्त बिजनेस किया सी, और उन्होंने यह गल सुन के मैं भी हैरतज़दा रह गया कि उस वक्त फिल्मा किन्ना अच्छा बिजनेस कर दिया सन, और गौरमेंट नूं टैक्स की मादी किन्नी कलैक्शन आती सी। अगर तुहानूं मेरी मालूमात अच्छी लगी हो, मेरे चैनल नूं लाइक करो, सबसक्राइब करो, तो शेयर करो, तो प्यारा जिहा कमेंट्स लाजमी करो, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके। नैक्सट वीडियो तक रब राखा।